हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर एंड राहुल केवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट टैलेंट से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन के जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज आपको देखने को जबरदस्त मिलेगा। तो आज की वीडियो में एक एक क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने कराया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 67 से हम आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। देखिए, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। ये पिछले वर्ष हो गया, ये वर्तमान वर्ष हो गया। ये समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4, पिछले वर्ष 3:4 और वर्तमान वर्ष में 5:6 का अनुपात। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए थी तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, ये बताना है। तो देखिए, वही बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा, ये बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे। देखो, 3p/4 बराबर हो जाएगा 5 × 20/18, 20/18 छोटा करेंगे, 2 × 20, 2 × 18 ब्रज गुणा करेंगे न, ऐसे 4 × 40 और 3 × 27, पी बराबर हो गया 40/27। ये हो गई, ये ए का ये बी का रेशो है। अब देखेंगे वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, कुल इक्वल टू इक्वल लगेगा, बराबर बराबर 8.04 और हमारी वर्तमान वर्ष में उनकी कुल कुल कितनी बैठी, 40 और 27 67। बी की पूछ रहा है तो बी में यहां पर गुणा करेंगे 2 × 7 की, यानी 27 की। अब बी की, बी पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी ये हमें बताना है, तो इसमें गुणा कर देंगे 5/6 से। यहां पर 5/6 से गुणा करेंगे, पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी ये मालूम हो जाएगी। देखिए, इसको अलग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये है कमाल, बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त सॉल्यूशन है ये, बहुत भयंकर सवाल था ये, इसको इजी बना दिया हमने। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 0.12 बार कटेगा ये, और फिर मैंने इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया 0.2 बार, 0.02 बार कटेगा इससे, क्लियर है। अब मैंने गुणा करी इसकी, 5 × 2 = 10, 2 अंक छोड़कर दशमलव, और गुणा 27। अब दोनों की गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.7 लाख। गुणा कर लीजिए, 27 × 270, ऐसे लिख देंगे 27 × 270, 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पर लगेगा, यानी कि 2.7, ऐसे। ये मैंने आपको बताया और ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, 2.7 लाख। ये रहा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, बहुत ही बेस्ट और लाजवाब सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, क्या कलाकारी होगी क्वेश्चन नंबर 68 में। कलाकारी देखिए, जब तक आप मैथ में कलाकार नहीं बनेंगे तब तक आपका मैथ आसान इजी नहीं होगा। इसमें कलाकारी और दिमाग की तकनीकी चाहिए होती है। अगर आप दिमाग का यूज करेंगे थोड़ा अलग स्टाइल से, थोड़ा सा मेहनत से और टेक्निकल तरीके से, तो आपका उतना ही इजी हो जाएगा मैथ, और इतना ही आसान, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, एक परिवार अपनी कुल आय में से, देखो आय अगर हम देखें उसकी आय ये है, उसमें से 15% बचत करता है। चलिए, बचा रहा है बचत, 15 की बचत करता है, और शेष राशि रहेगी 85%, उसे 3 प्रकार के स्वास्थ्य में, शिक्षा पर और भोजन पर खर्च करता है, और 1, 2, 5, 2 के अनुपात में खर्च करता है, यानी 85 रह जाता है, 85 को
एक दो दो पाँच रह गया, टोटल बराबर टोटल हो गया इक्वल टू इक्वल 17 बार घटा एक रेशियो के 17 पंजे 85, 17 एकम 17 तो वह शिक्षा पर और 17 दूनी 34 सॉरी 17 स्वास्थ्य पर और 17 दूनी 34 शिक्षा पर और 17 दूनी 34 भोजन पर और 15 बचा रहा है और यहाँ इसका टोटल आए 100। अब देख लीजिए क्लियर हो गया। देखो अगर हम इन्हें जोड़े तीनों को तो पूरा चारों को जोड़े तो 100 हो जाता है। देखिए ये टैलेंट करना है आपको, ध्यान से देखो 15% यानी 15 बचाया, आय उसकी 100 थी तो 85 खर्च करा, 85 के बराबर ये दिखाया उन्होंने खर्चा 5 रेशो के बराबर, एक रेशो की वैल्यू 17, 17 एकम 17 तो उसने स्वास्थ्य पर खर्च किया और 17 दूनी 34 किया शिक्षा पर और 17 दूनी 34 किया भोजन पर। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे। देखो अब है टैक्स, अब देखिए टैग वाली बात आ गई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो टैक्स जानिए, टैक्स जो मैं बोलता हूँ टैक्स का मतलब उलझाना, जैसे फेसबुक में टैग्स कर देते हैं, उलझा देते हैं अपनी वीडियो को या अपने फोटो को दूसरे में भेज देते हैं, तो टैग्स का मतलब होता है उलझाना एक दूसरे से। तो एग्जामिनर यही तो बात रखता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको उलझाने की कोशिश करता है, तो बस उसको समझ जाइए उस टैग्स को और क्लियर कर दीजिए, वहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो टैग वाली बात आए, शिक्षा पर किए गए ये वाली आए, इसकी बात कर रहा है, शिक्षा पर किया गया ये 34 है, शिक्षा पर किया गया खर्च का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना होता है, 34 से 102 हो जाएगा, 102 से 300 रुपये कम है। देखिए यहाँ 300 रुपये कम है और यहाँ यो इससे कितना कम है, 2 यूनिट कम है। देखिए 2 कम है, कम बराबर कम, ये रहा इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो, कम है हो गया। तो बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में अंतर, बचत यह है और स्वास्थ्य यह है, इन दोनों में अंतर हो गया 2 का, 2 से गुणा कर दीजिए, ये कट गया तो रह गया 300 रुपया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 300 रुपया, ऑप्शन ए। बहुत ही जबरदस्त जानदार और खतरनाक व शानदार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने हाजिर है, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही जबरदस्त लाजवाब तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन होगा। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा है वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत कितनी है, देखिए 6,084 रुपये है हीरे की कीमत और इसे 3 टुकड़ों में काटा गया जिसका वजन हो गया 3:2:1 के रेशो में और यह कीमत है उसके वर्ग के समानुपाती है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। अब देखिए यह कीमत उसके वर्ग के, उसका उसको जोड़ा जाए उस वजन को 3, 2, 5 और 1, 6 के वर्ग के बराबर, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 के बराबर है ये, और जैसे ही उसे काटा जाता है तो अब उसमें हानि हो जाती है। देखिए 3 का वर्ग 9, 2 का 4, 1 का 1 कितना हो गया, अब जाइए 9, 10, 4, 14 ये देखिए इतने वजन की कमी आ गई, इतना रह गया, इतना ये आया हमारा 14। अब मैं 36 में से 6 का वर्ग 36 में से अगर 14 घटा दूँ तो मुझे मालूम हो गया इतना ही तो रह गया ये, तो मुझे हानि का पता लग गया, हानि कितने की हुई वजन में, हानि वजन 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 की गुणा कर देंगे यहाँ पर ये हानि आ जाएगी, पूछा है तो काटने से उसे होने वाली हानि ज्ञात करें, हानि। अब देखो इसको कटिंग करते हैं, 12 3 36 12 5 60 0 12 7 84, 3 से कटिंग कर लेते हैं, 3 गम 3 2 3 6 18 3 9 27, क्लियर है। अब 22 व 169 की गुणा करेंगे, 22 9 198 80 19, 22 6 132 और 19 जोड़ेंगे 9 2 11 3 4 1 5
एक 15 आसन लगेंगे, 22 एकम 22 15 37 3718, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 3718 रुपये की उसे आनी हुई ऑप्शन ए हो 3718 में, ऑप्शन बी इज राइट 3718, ये रहा 3718 ऑप्शन बी। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे जबरदस्त, ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। देखो 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रतन की कीमत, देखिए 48 की कीमत कितनी दी है उसने, 230,400 रुपया, और जिसका वजन का अनुपात 5:7, यह है दो टुकड़ों में टूट गया जिसके वजन का अनुपात 5:7 है। यदि कीमत वाले वजन के वर्ग के, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, देखिए कीमत जो है वजन का वर्ग, पहले वजन देखेंगे 5 और 7 12 का वर्ग हो गया 144, यहाँ पर 144 के बराबर आ जाएगा ये कीमत, और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, 9 5 14 आशिले 6 1 7 74। अब देखिए हानि पूछा है तो 144 में से 74 घटाएंगे, हानि आ जाएगी कितनी बैठती है हानि, 14 में 7 के 7 70 की हानि होती है, 70 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इसे हल करेंगे। अब देखिए अब इसको हम हल करते हैं, चलिए ये काटेंगे हम 12 से कटिंग कर लीजिए, छोड़ दो 12 बार कटाइए, और 12 एक हम 12 11 हो गए 110, 12 98 12 9 108, 2 12 2 24, 2 0 ये हो गया कटिंग इतनी बार, गुणा 70। फिर देखिए 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 7 12 6 72, 2 0 गुणा 70 करेंगे, 2 0 तो ये लगेगी, 1 0 ये आ जाएगी, 16 7 112, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,12,000 रुपये की हानि हुई, 1,12,000 रुपये की हानि हुई, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपको अब नई टाइप से देखने को मिलेगा। तो इस टाइप में हमसे चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती आदि टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71, 144 192 और 216 का चौथा अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। देखिए इसको समानुपात में लिख लीजिए, 144 अनुपात 192 समानुपात 216 अनुपात क्या, यह है हमारा चौथा अनुपात, ये हमसे पूछा है। तो देखो इसे दो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला और दूसरे को ऐसे अनुपात में लिख सकते हैं, या तो एक कंडीशन ऐसे ऐसे कर लीजिए, या फिर दूसरी स्थिति ऐसे है 144 बटे में 192 बराबर 216 बटे में क्या, ये चौथा अनुपात हमें ज्ञात करना। दो तरीके हैं, ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। देखिए अब हम करते हैं, देखो पहले का पहले से संबंध देखेंगे, पहले का पहले से संबंध, दूसरे का दूसरे से संबंध देखेंगे, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, देखो अगर हम देखें 144 के बाद ये 216 आया तो ये डेढ़ गुना है, 144 का डेढ़ गुना है, ये डेढ़ गुना, तो जब ये डेढ़ गुना है तो 192 का डेढ़ गुना आ जाएगा हमारे सामने। देखिए 192 का डेढ़ गुना हो गया 3/2,
दो नम 18, दो छिक 12, तीन छंग 18, तीन नम 17, एक 28, ये आ गया चौथा मान। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए एक तरीका तो आपका ये है डेढ़ गुना वाला टैलेंट। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं ऐसे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा अगर आए ऐसे। और एक दूसरा तरीका ये भी है आपके सामने, देखिए ये आप इसको कटिंग करके छोटा कर लीजिए तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। देखो 12 से मैंने इसको काटा 12 बार, और 12 एकम 12 96 कट गया, ये छोटा हो गया, ये और छोटा हो सकता है। 6 दुनी 12, 6 18, और 2 से मैंने इसको काटा 2 नम्मा 18, 2 छिक 12, 93 गुणा 6 करेंगे 3 छंग 18, 3 नम 27, 1 28 बराबर क्या। आपका ये वाला सवाल भी बहुत ईजी है, आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप एक मेथड और कर सकते हैं, देखिए एक तरीका और, सी को आप अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टाइल सारे सीख लीजिए, आप दमदार हो जाएंगे। मैं तुम्हें हर तरीके का पॉइंट कैसे भी आप करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। एक तरीका ये भी है ऐसे हल करने का, बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों की गुणा एक साइड में, इन दोनों की गुणा एक साइड में, ऐसे 192 गुणा 216 और बट्टे में यहाँ आ जाएगा 144 बराबर क्या। ये तो यहाँ से भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखिए सोलह नंबर 144, 16 एकम 16, 3 16 दुनी 32, ये हो गया 9 दुनी 18, 3 9 चौक 36, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको क्या बराबर 12 चौक 48, 4 बार दुनी 24, 4 28, 288। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने दो तीन स्टाइल बता दिया आपको, तो लाइव में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है तृतीयानुपाती, दो संख्याओं का तृतीयानुपाती अगर ज्ञात करना है तो इसमें ऐसा होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या होती है, ये दूसरी संख्या होती है। तो हमेशा तृतीयानुपाती इस फॉर्म में करना है कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, दूसरी संख्या 35 है इसका वर्ग लिख दीजिए, 35 गुणा 35 बटे में पहली संख्या लिखेंगे 25, तो हमारा तृतीयानुपाती आ जाएगा। देखो 5 पंजे 25, 5 सते 35, 5 सते 35, तो कितना आ गया तृतीयानुपाती 49, 7 सते 49, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो ये भी स्टैंडर्ड तरीका है आपके लिए तृतीयानुपाती याद करने का। क्वेश्चन नंबर 73, देखो अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, कई सारे मेथड मैंने आपको इसके बताए थे। चौथे नंबर पर यानी चौथे स्थान पर आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना, यहाँ पर जिसको हम चतुर्थानुपाती बोलते हैं। तो देखो तीनों स्टाइल से ये सवाल भी हो सकता है, बट मैं आपको और उन्हीं में से एक तरीका फिर बता रहा हूँ, उसी से कर लीजिए। वैसे कोई भी तरीका यूज कर लीजिए इन तीनों में से, जैसे 28 बटे 98 पहली संख्या, दूसरी संख्या को रेशो रूप में लिखेंगे बराबर 98, ये समानुपात का चिन्ह है इसमें, ये वाला यहाँ समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, ये बराबर, देखो इस चिन्ह का अर्थ बराबर भी होता है, ये ऐसे बटे में वाई। अब कटिंग करेंगे, देखिए 14 दुनी 28, 14 सते 98, दो से मैंने काटा इसको 49 बार, और 49 गुणा 7 करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 49 गुणा 7 343, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, वाई का मान आ गया है 343, ऑप्शन डी इज राइट, ये जवाब है। बहुत आसान और सिंपल मेथड में कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चनों को। और 74 नंबर क्वेश्चन भी अभी मैंने बताया था तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती होता है दूसरी संख्या का वर्ग में बटे पहली संख्या। देखिए दूसरी संख्या हमारी है b का स्क्वायर बटे में पहली संख्या a, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो अब हम शुरू करते हैं, देखिए ये है दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, तो अब इसको ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट, दूसरी संख्या ये है पहली है, तो इसका वर्ग लिखेंगे b की 4 बटे 4a गुणा b की घात 4 बटे 4a, ये हो गया b का स्क्वायर, और बटे में पहली संख्या से भाग करना, ये हुआ। देखिए बहुत आसान बन गया सवाल, जब
गुणन फल में आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है, तो बी आधार समान हो गया, चार चार आठ, घात जुड़ गई आठ, बटे में चार चौक सोलह, एक ही घात एक दो तीन, एक ही घात तीन, यानी कि बी की पावर आठ बटे में सोलह एक ही घात तीन, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 75, देखिए क्वेश्चन नंबर 75, 9.61 और 3.61 का मध्य अनुपाती हमें बताना। तो मध्य अनुपाती होता है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि कोई दो संख्या है ए और बी, अगर हम उन दोनों का गुणनफल का वर्गमूल निकाल दें तो वह मध्य अनुपाती कहलाता है, ये वाला मध्य अनुपाती का कंसेप्ट होता है। तो चलिए करते हैं आगे, 9.1 गुणनफल में इनका गुणनफल करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 9.61 गुणा 3.61, देखिए 910 बाद में लगाएंगे 961, 31 होता है इसका वर्गमूल, गुणा 361 19 होता है, बाद में ये दो अंक छोड़कर बाहर दशमलव लगा देंगे, देखिए 19 ही कम 19, 9 19 पे 57 और एक 58 हासिल भी जोड़ेंगे और दो अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो ये आ गया 5.89। देखिए 5.89 आसानी से आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 76, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 सुपर तरीके से क्वेश्चन हल होगा। देखिए 24.2 और 7.2 के बीच का मध्य अनुपात, तो सबसे पहले मध्य अनुपात निकालेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ही मध्य अनुपात होता है। देखिए 24.2 गुणा 7.2, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम बहुत ही आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से वर्गमूल निकालेंगे। देखो दशमलव हटाएंगे, बटे में नीचे 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल बाहर 10 आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं, ये हो गया 242, 242 होता है कितना, देखिए 2 गुणा 121 होता है ये, और ये होता है 2 गुणा 36। अब देखिए 121 का वर्गमूल आ गया हमारा 11, और 2 दुनी 4 का 2, 36 का 6 और बटे 100 का वर्गमूल 10, अब ये हो गया 11 दुनी 2 6 का 132, 10 से भाग देंगे 13.2 आ गया, देखिए 13.2 आ गया। अब इसको देखते हैं तृतीय अनुपात, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या 4.2 गुणा 4.2 बटे में पहली संख्या 2.8, इसको देखेंगे दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 14 दुनी 28 14 तीय 42, 2 से 2 दुन 4 2 एकम 2 21 तीय 63, 6.3 आ गया ये। अब देखो इनका अनुपात निकालना मुझे, तो कैसे निकालना, देखिए ए 13.2 रेशो 6.3, अब देखिए पॉइंट दोनों में एक एक अंक छोड़कर दशमलव हटा दिया, ये 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 चौक 12 3 चौक 12 कट गया ये 44:21, तो देखिए 44:21 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन डी इज राइट 44:21। क्वेश्चन नंबर 77, देखो क्वेश्चन नंबर 77, 23 और 31 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, यानी कि तृतीय अनुपाती मैंने आपको बताया है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ये होता है तृतीय अनुपाती, दूसरी संख्या का वर्ग 31 गुणा 31 बटे में पहली संख्या रखेंगे 23, तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा 31, 31 का वर्ग होता है 961, 31 का वर्ग होता है 961 बटे में 23, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। देखो मैथ से डरने वाली बात नहीं है, मैथ बिल्कुल इजी और आसान होता है, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, मैथ बिल्कुल इजी और आसान होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, एक समानुपात में, समानुपात कह दिया इसने पहले ही, देखिए नोट करनी चाहिए एक एक बात, एक एक पॉइंट, इसी पॉइंट और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इजी और आसान होते हैं। एक समानुपात में पहली संख्या दूसरी और चौथी संख्या,
देखो इसने तीसरी संख्या मिस कर दी, पहली दूसरी और तीसरी छोड़ दी, चौथी संख्या का मान दिया है 51, 68 और 108 है, ये समानुपात में है ये संख्या, तो तीसरी संख्या बतानी। अब देखिए समानुपात लिखने के तरीके देख लीजिए आप क्या होते हैं, पहली संख्या 51:68 होगी दूसरी, तीसरी समानुपात में क्या लिखेंगे तीसरी संख्या, और चौथी संख्या मुझे दी है 108। एक तरीका तो यह है लिखने का। अब वही तरीका भीतरी पदों की गुणा और बाह्य पदों की गुणा कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका यह है आपके लिए 51/68 बराबर क्या बटे 108। एक सेकंड तरीका यह है आपका, तो इसमें देख लीजिए क्या होता है, ये हो गया छोटा करके कटिंग कर दीजिए। देखो एक साइड में तो ये आ जाएगा 51 × 108 बराबर 68 × 17 × 51 = 68, 4 × 8 = 27, 27 × 81 = 81 आ गया, यानी कि तीसरी संख्या है हमारी 81। और यहाँ से भी कर सकते हैं 17 × 51 = 17 × 68, 4 × 27 = 27 × 81, 27 × 81 आ गई हमारी तीसरी संख्या। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आपका मेथड है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है, देखो 3 और 27 के बीच का मध्यानुपाती, हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो मध्यानुपाती होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे ए और बी का गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, ये वाली संख्या ए हो गई, ये वाली संख्या बी हो गई, अब इनका हमें वर्गमूल निकालना है, तो वही हमारा मध्यानुपाती कहलाता है। तो 3 × 27 = 81 हो जाएगा, 27 = 81, 81 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 9, तो दी गई संख्याओं का मध्यानुपाती हो गया 9, ऑप्शन बी इज राइट। ये इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 80 का मध्यानुपाती निकालना है, यहाँ पर दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 25 है और 225 है, इनके गुणनफल का वर्गमूल 25 × 5, 225 × 15 और 15×5 = 75 आ जाएगा, ये रहा, बहुत आसान और सिंपल, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 81, 1.6 और 3.6 का मध्यानुपात और 5 तथा 8 के तृतीयानुपात का अनुपात बताना है, देखिए अनुपात बीच में लगाना है, इन दोनों का मध्यानुपात निकालना है, देखो ऐसे 1.6 × 3.6 और तृतीयानुपात दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ऐसे ये हो गया हमारा 16 और ये 36, देखिए 16 का वर्गमूल 4, 36 का 6, दो अंक है तो उत्तर में एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, अब ये हो जाएगा 8 × 64 / 5। अब देखो सिंपल सा तरीका है, दशमलव हटाएंगे बटे में 10, तो क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर दीजिए आप, 5 × 2 = 10 छोटा हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 4 से मैं इसको काटूंगा 16 बार, तो 3/16 आ जाएगा, सिंपल से रूप में 3/16, ये आ गया 3/16, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। आप भी इसे और आसान कर सकते हैं, बट मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है। देखो 16 और 30 का तृतीयानुपाती हमें निकालना है, तृतीयानुपाती दूसरी संख्या का वर्ग ऐसे लिखेंगे, बटे में पहली संख्या होगी 16, 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 15 फिर 2 × 8 फिर 2 × 15, और 15 × 15 = 225 / 4। ये अब देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है, 16 हाँ मिस्टेक है, मिस्टेक है इसमें
क्योंकि ये कटिंग हो गई, ये आंसर नहीं आ रहा है, मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ पर मिस्टेक है, 30 की जगह यहाँ पर है 20, 20। अब ये सही हो जाएगा, हम देख रहे थे क्वेश्चन में मिस पॉइंट हो गया हमसे। चलिए आते हैं 16-20 का तृतीय अनुपात, वही तरीका, दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या लिखेंगे 16, 4 × 16 4 × 5 = 20, फिर 4 × 5 = 20, तो आ गया आंसर 5 × 5 = 25। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट, ये हो गया ऑप्शन बी। और बहुत ही आसान और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, क्वेश्चन नंबर 83, 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात हमें निकालना है। देखो चौथा अनुपात, देखिए 12/24 = 27/ क्या, ये चौथा अनुपात आ जाएगा, पहले से हल कर लीजिए। चलिए 12 × 24 = 27 × 54 आ गया चौथा अनुपात ये। अब ये जो 54 है ये ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी कि ये जो 54 है ये ए और 36 का तृतीय अनुपात अगर हमें निकालना, तो दूसरी संख्या का वर्ग है बटे में पहली संख्या के बराबर लिख देंगे इसे 54 को, क्योंकि इसी के बराबर बताया आज नहीं है। तो यहाँ से मुझे ए का मान निकालना, 18 × 3 = 54, 18 × 2 = 36 और 3 × 12 12 × 2 = 24, ए का मान आ गया 24। देखिए ए का मान आ गया 24, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। अब हमें निकालना क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी का मध्य अनुपात सी है, तो सी मध्य अनुपात को रिप्रेजेंट करता है दो संख्याओं के गुणनफल का, जो मान का वर्गमूल जो होगा वो मध्य अनुपाती कहलाता है। तो सी का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे ये वर्गमूल हट जाएगा, ए बी, ए बी बराबर होगा सी स्क्वायर के। अब देखो यहाँ से मुझे क्वेश्चन हल करना है, ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात निकालना। देखिए मध्य अनुपात निकालना है दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, पहली संख्या ए स्क्वायर सी गुणा बी स्क्वायर सी, मध्य अनुपात निकाल लेंगे, ए स्क्वायर से स्क्वायर हट गया ए, बी से बी स्क्वायर से बी हटेगा और सी स्क्वायर सी आ जाएगा, मतलब ए बी सी आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए ए बी की जगह हम भर लेंगे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर गुणा सी बराबर हो गया c³। तो देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड से हमें मालूम हो गया है कि सी का के हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया c³। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने, xy² x² y का चौथा समानुपात बताना। तो देखिए पहली दो संख्याओं का अनुपात लिखेंगे xy² / x² y बराबर xy/4 क्या, ये वाला बताना चौथे अनुपात का मान। देखो x से मैंने x काटा, y से y काटा है, ऊपर x नीचे y, तो सॉरी ऊपर y हो गया और नीचे बटे में x, तो xy बटे में क्या, क्लियर। अब y से y काटा और क्या इधर आ जाएगा और बराबर हो जाएगा x²। ये रहा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया बहुत सिंपल और आसान, ऑप्शन बी। नया क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, यदि 8 और 20 का तृतीय समानुपात P है, 8 और 20 का तृतीय समानुपात P है, तो देखिए तृतीय अनुपात दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या 8, तो इसका तृतीय अनुपात P बताया है, ये P का मान हो गया। 3, 5 और 24 का चौथा अनुपात, 3/5 = 24 क्या, यानी क्यों लिख दीजिए चाहिए आप क्यों, तो यहाँ से मुझे पी का मान, यहाँ से क्यू का मान मालूम हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ 2p + q का मान निकाल लूँगा।
चलिए देखते हैं, 3 8 24 8 5 40 आ गया क्यू का मान, क्यू का मान आ गया 40। पी का निकालना, 4 2 8 4 5 20 2 2 20 10 5 50 पी का मान आ गया 50। देखो पी का 50 क्यू का 40। अब हमसे पूछा है 2P जमा Q, 2P की वैल्यू है यहाँ पर 50 जमा क्यू की वैल्यू है 40। 50 × 100 40 = 140 और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 140, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 मध्यानुपाती निकालना है दोनों क्वेश्चनों का। तो मध्यानुपाती बहुत ईजी है, आसान है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो दी गई संख्या होगा मध्यानुपाती, देखो डायरेक्ट निकालना भी सीख लीजिए आप क्वेश्चनों का, डायरेक्ट निकालना। मैंने वैसे तो बताया है दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल देंगे, लेकिन डायरेक्ट इसका अगर वर्गमूल निकाला, क्योंकि ये वर्ग वाली संख्या आ गई और गुणा कर देंगे बस ऐसे। 36 का 6 चार अंक है तो उत्तर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, 2 अंक है तो उत्तर में 1, 4 का वर्गमूल 2 उत्तर 1। ये ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, 6 2 12 दो ये रहेगी, 3 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, ये ऐसे। देखिए ऑप्शन ए आ गया, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। और ये फिर आप ऐसे कर लीजिए, मध्यानुपाती ऐसे दी गई संख्या होगा दोनों का गुणनफल का वर्गमूल निकाल लीजिए, ऐसा बात वही है। ये रहा 4 का आ गया 2 गुणा 36 का 6 2 अंक है उत्तर में 1, 4 अंक है तो उत्तर 2 अंक छोड़कर दशमलव, 6 2 12 2 और 1 3 अंक छोड़कर दशमलव। आप ऐसे 20 हल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 32 और 162 का मध्यानुपाती, वही मध्यानुपाती निकालना है। 32 का गुणा 162 का, 32 का 16 2 32 और 2 × 81 = 162। क्लियर है, फैक्टर कर दिए। और अब 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्ग है 2 बार, 81 9 का 12 आ जाएगा, 9 का 81 का वर्गमूल 9 यानी कि 4 × 8 = 72 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट, 72। बहुत ईजी और सरल तरीके से आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 89, देखो 89 6 और एक अन्य संख्या का मध्यानुपात 30 है। देखिए मध्यानुपात 30 बताया है और मध्यानुपात में लिखेंगे पहली संख्या 6, दूसरी अन्य संख्या बी मान लीजिए, तो वह संख्या बतानी है। देखिए इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, इसका वर्ग हो जाएगा 30 का वर्ग 900 बटे में 6 आ जाएगा बराबर बी आ जाएगा। देखिए 6 से मैंने इसको काटा 150 बार, तो वह संख्या आ गई हमारी 150, बिल्कुल सिंपल और आसान। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा बहुत सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। देखो सभी में इक्वल टू इक्वल लगता है, जहाँ तृतीयानुपाती मध्यानुपाती कुछ भी आ जाए सब में इक्वल टू इक्वल होता है। चलिए देखिए 3x² 4xy का तृतीयानुपाती 48, देखिए इक्वल टू इक्वल में ये 48 आ गया तृतीयानुपाती। दूसरी संख्या का वर्ग 4xy × 4xy बटे में पहली संख्या हो गई 3x². देखिए x² से x कट गया और 4 × 16 = 48 हो गया, 3 × 9 हो जाएगा बराबर y का स्क्वायर, तो y बराबर आ जाएगा 3। चेक कर लीजिए y बराबर आएगा 3, ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो y का स्क्वायर 10² जाएगा, y बराबर 3।